नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शीनम सेठी गोयल है और मैं आरटीओस हॉस्पिटल में एज डर्मेटोलॉजिस्ट या त्वचा विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक्ने के बारे में, जिसे आम भाषा में पिंपल या मुहासे भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हॉर्मोन्स का ऊपर नीचे होना, या जेनेटिक कॉजेज़ या इन्वायरमेंटल कॉजेज़, या आपके त्वचा में ज़्यादा तेल की मात्रा बनना। अब ये होता किन लोगों में है? जनरली ये किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन ये टीनेजर्स में या एडोलेसेंस में होता है। ये दिखते कैसे हैं? इनमें कील बन सकते हैं, सफ़ेद पस निकलने वाले निशान बन सकते हैं, लाल गांठें बन सकती हैं, अंदरूनी गांठें बन सकती हैं जो कि दर्दनाक हो सकती हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ लगाने की दवाइयाँ होती हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ होती हैं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी हो सकता है। कुछ लोगों में हार्मोनल थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। आपके एक्ने जो हैं वो माइल्ड से लेकर सीवियर तक रेंज कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आपका जो ट्रीटमेंट है वो कस्टमाइज़ किया जाता है। अगर आपको भी एक्ने से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। धन्यवाद।